एवरीवन, आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे स्मार्ट वॉच कैसे टेक्सचर किया जाए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इसको टेक्सचर करने के लिए। हम सबसे पहले चलेंगे मेटल स्लॉट। यहाँ पे हमारे पास मेटल स्लॉट है, मैंने इसको क्लिक किया तो मेटल स्लॉट पे आपको क्या करना है, वीरी टेक्सचर अप्लाई करना है। तो वीरी टेक्सचर अप्लाई करने के लिए मेरे पास ये है वीरी टूल्स, जो ये ऊपर का पार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास है वीरी टूल्स में मेटल लाइब्रेरी, ये मैंने ओपन किया। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके साइड पर रख लीजिए। अब तो यहाँ पे आपके पास ये मेटल स्लॉट पड़ा हुआ है, तो इनमें से देखिए मेटल लाइब्रेरी में आपके पास यहाँ पे प्रीसेट दिए होंगे, इनमें से आप कोई सभी प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं फैब्रिक वाला यूज़ करता हूँ तो फैब्रिक इस टाइप का दिखेगा, प्लास्टिक पेपर ये जो है इस तरीके से दिखेंगे, तो मैं प्लास्टिक यूज़ कर रहा हूँ। तो प्लास्टिक का मैं इसकी जो ये है रिस्ट पे ये पार्ट है, इनको मैं ये प्लास्टिक मटेरियल दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, एक मटेरियल स्लॉट लिया मैंने, ये वाला मैं प्लास्टिक सिंपली ब्लरी ब्लैक वाली को इस पर असाइन करूँगा। तो यहाँ पे मटेरियल एडिटर में ऐड हो गया, इसको मैं मिनिमाइज़ किया और मैं इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए ये एक पार्ट है इसका, ठीक है, तो इस पर ये लग चुका है। तो आपको दिखाता हूँ मैं, कुछ इस टाइप का ही ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये वाला मेटल स्लॉट लेना, फिर आप मेटल एडिटर पे जाएंगे, यहाँ पे प्लास्टिक मेटल ब्लैक, प्लास्टिक सिंपली साइनी ब्लैक, तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं डायल के लिए, जो स्मार्ट वॉच की डायल है उसके लिए। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, ओह सॉरी, मैं इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला पार्ट था सिंपली प्लास्टिक ब्लैक। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस मेटल स्लॉट में किसी एक मेटल सेकंड वाले को ले लिया मैंने, सेकंड वाले को पिक कर दिया, देखिए इस वाले को पिक किया और यहाँ पर मैं इस वाले को पिक कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके एड टू मेटल एडिटर, देखिए यहाँ ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर दीजिए, यहाँ पर आपको इसको लगाना है। तो आप इस पर क्या कर दीजिए, ये वाला इस पर ड्रैग कर दिया, ये वाला इस पर ड्रैग कर दिया, इवन ये वाला इस पर ड्रैग कर दिया। ठीक है, कुछ इस टाइप का लुक आपके पास ये आ जाएगा, देखिए सैनी। अब यहाँ तो ये चीज़ें बना ली हमने, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसके यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट है, इस पर हमें क्या करना है, टेक्सचर लगाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया मेटल स्लॉट ले लूँगा, ठीक है, इसको मैं बेरी मेटल बनाऊंगा। तो बेरी मेटल का ये वाला देखिए, ये बेरी मेटल वाला पार्ट है, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे गेट मेटल पे चले जाएंगे सीधे। बेरी मेटल बनाने से पहले आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आपको बेरी मेटल वाले ये वाले स्लॉट खुल के मिलेंगे। यहाँ पर आपने ढूंढना है बेरी लाइट मटेरियल, ये देखिए ये क्या आ गया आपके पास, बेरी लाइट मटेरियल। तो इसको पिक करना है आपने, डबल क्लिक करेंगे इस पर तो ये यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इस टाइप से ये आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ये वाला पार्ट पकड़ा, इस पर मैंने ये असाइन कर दिया, देखिए असाइन हो गया। और अब आप मैं इसको एक ऐसे सिंपली आपको एक रेंडर दिखाता हूँ, तो रेंडर में कैसे आएगा ये आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप का आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर लुक नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, इस पर टेक्सचर लगाऊंगा। तो टेक्सचर लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मेटल्स यहाँ पे एक मेटल स्लॉट ले लिया, इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए कलर वाले पे, यहाँ पे नो मैप है, इस पर आप क्लिक करना, यहाँ से बिट मैप का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा जनरल में, डबल क्लिक किया, ये पाथ दे देगा। पाथ मेरे पास डेस्कटॉप पर मैंने एक स्क्रीन का ये वाला पार्ट लिया है, मैं इसको ओपन करवा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये पार्ट शो हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्यूरेट इसलिए आया क्योंकि मैंने इस पार्ट को पहले ही UVW मैप दिया हुआ था। सपोज आपके पास कुछ इस टाइप का लुक आ जाएगा तो आप इसको UVW मैप से सही करेंगे। ठीक है, किस चीज़ से, UVW मैप किया मैंने, UVW मैप से ऐसे आएगा, तो इसे बॉक्स मैपिंग कर देना, कुछ इस टाइप का आएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे गिज़्मो मोड पे जाएंगे, इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ से रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए आपको एंगल स्नैपिंग का ऑन करना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री एंगल पे ही रोटेट हो, समथिंग ये आ गया, देखिए यहाँ पे
इससे कभी पहले करके 90। अब आपने क्या करना है, यहाँ से स्केल देखिए गिज़्मो मोड है, इसको आपको फिट करना है कि हर जगह से इक्वल, देखिए इस जगह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये ठीक आ गया, अब ठीक है। ठीक है, बट ये हो क्या रहा है, ये टेक्सचर उल्टा दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, ये मेटल स्लॉट था जिसमें आपने ये भरा हुआ है, तो ये इसकी टाइलिंग आई हुई है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, इस वाले को मैं माइनस कर देता हूँ। देखिए माइनस, यहाँ पे मैंने माइनस भरा और यहाँ पे बाहर क्लिक कर दिया, ये कुछ इस टाइप का दिखाएगा। तो जनरली ये अभी भी उल्टा दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है। तो रोटेट गिज़्मो पे ई प्रेस, गिज़्मो पे गए, ई प्रेस किया और यहाँ से ये रोटेट करेंगे आप, इसको टॉप व्यू में जाके भी आप रोटेट कर सकते हो। दिखाता हूँ मैं, ठीक है, ये आपने देखा यहाँ से आप इसे रोटेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये सही पार्ट इसका कौन सा है। तो यहाँ से मैंने रोटेट किया समथिंग, ये वाला पार्ट है, 90 डिग्री एंगल पे घूम गया, 180 पे, ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो आपके पास ये देखिए ये पार्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको आपने लाइट के साथ शो कराना है। यहाँ पे आप चले जाएंगे, ये है आपके पास कॉस्मो ब्राउज़र, इस पर क्लिक करना। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कॉस्मो ब्राउज़र में एसेट्स लाइब्रेरी मिल जाएगा। एसेट्स लाइब्रेरी में आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे और जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप आर्किटेक्चर के देखते हो या रिलेटेड टू 3ds Max के कोई भी चीज़ें देखते हो, वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये सिंपल यहाँ से डाउनलोड करके इसमें प्लेस करवाना है सीन में। तो जनरली अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, एक HDRI ढूंढता हूँ मैं, इसमें HDRI जिसके अकॉर्डिंग मैं इसको लाइटिंग शो करा पाऊँ। तो यहाँ पे HDRI है, तो HDRI पे क्लिक किया मैंने, तो मुझे ये HDRI चाहिए, स्टूडियो लाइट HDRI। तो स्टूडियो में सपोज मैं ये वाला पिक कर लेता हूँ जिसमें थोड़ा सा ये ऑरेंज टाइप का कलर आया है, और ये व्हाइट वाली भी रख सकता हूँ, बट मुझे चलिए मैं ये व्हाइट वाला ही पिक कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, या ये वाला, इनमें से आप पिक कर लीजिए। तो मैंने ये वाला पिक कर दिया और ये सीधे सीधे आपके सीन में इंक्लूड हो जाते हैं। देखिए अभी सीन में कैसे इंक्लूड हुआ, यहाँ देखिए, ये देखिए ये वाला जो सर्कल आया ना, ये HDRI लाइट है, तो इसको मैंने साइड रख दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसका एक रेंडर देखेंगे। तो रेंडर मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ कि कैसे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक रेंडर पे क्लिक किया और कुछ इस टाइप का रेंडर ही दिखा रहा है, देखिए दिख रहा है ये देखिए आपके पास ये वाला लुक है। ठीक है, इधर से लाइट सोर्स ज़्यादा दिखा रहा है HDRI का। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बेस प्लेन लगा देते हैं नीचे, बेस प्लेन। तो वो कैसे करेंगे, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है, इसको कैंसिल किया, यहाँ पे मैं वेरे प्लेन लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, वेरे प्लेन। तो वेरे प्लेन का यहाँ पे शॉर्टकट है, ये देखिए वेरे प्लेन, यहाँ से मैं क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो मैं इसका रेंडर दिखाता हूँ, तो देखिए आपको इसके नीचे ये वेरे प्लेन दिख गया, जो ये पिंक कलर का दिख रहा है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, तो आप इसको थोड़ा यहाँ से कम कर सकते हैं, ये देखिए पिंक टाइप का आपको दिख रहा है। तो इससे एक प्रॉपर डेप्थ भी आ जाती है कि किसी बेस के ऊपर हमने ये रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, इस पिंक की जगह आप ब्लैक कलर रखना चाहिए, ब्लैक के साथ शेडो इसका मर्ज हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा वाइट कलर देते हैं इसको, किसको, ये जो पीरी प्लेन लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ मेटल स्लॉट पे, मेटल एडिटर खोला मैंने, यहाँ पे मैं इस वाले को पिक कर लेता हूँ, किसी भी एक मेटल को मैंने यहाँ पे पिक कर दिया। अब इसका रेंडर दिखाता हूँ, तो इसमें रिफ्लेक्शन आएगा थोड़ा बहुत, देखिए ये देखिए ये रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो मुझे रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, तो रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस मेटल एडिटर, इसको जो मैं इस पर अप्लाई किया है, इस वाले को पहले मैं वेरे मेटल बना दूंगा। यहाँ पे इस पर क्लिक किया, तो देखिए इस पर रिफ्लेक्शन हट गया, अब इस पर अप्लाई कर दीजिए। अब जो वहाँ पे स्पॉट बन रहा था वो यहाँ से गायब हो जाएगा, ये देखिए ये गायब हो जाएगा, और अब आपके पास एक प्रॉपर इसका ये देखिए कुछ इस टाइप का एक लुक आ गया, देखिए। ठीक है, अब रही बात इसकी कि यहाँ पे मैंने फ्लैट तरीके से घड़ी शो करवाई है, मैं इसे थोड़ा सा राउंड में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको क्लोज़ किया, यहाँ पे आया, इस घड़ी को पकड़ा, इसका ग्रुप बनाया हुआ है आई थिंक
चलिए मैं इस वाले पार्ट पे आता हूँ जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। इस पे आया मैं, इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बैंड मॉडिफायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके लिए मैं बैंड मॉडिफायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बैंड, ठीक है। ये बैंड लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे ये वैल्यू दे दी, इसमें मैं ये वाले एक्सेस का इस्तेमाल करता हूँ। ये एंगल दे दिया मैंने लगभग, इस एंगल को मैं चलता हूँ 180 पे दे देता हूँ, 180 के अराउंड दे दीजिए, 180 180, ठीक है, ये दिया। अब ये एंगल आपका 90 डिग्री एंगल का होगा, 90 डिग्री, ठीक है, समथिंग कुछ इस टाइप का ये शो करा रहा है। अब आपको ये और मोड़ने हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए, सॉरी इस वाले से 360 के अराउंड इसको मोड़ना शुरू कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का आपने शो करा दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे बेस पे चला गया, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के जहाँ पे सूटेबल लगे उस हिसाब से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए समथिंग ये। अब आप इस पूरे को, पूरे वॉच को उठा के इस बेस प्लेन पे जो आपने ये प्लेन लगाया हुआ है इसके ऊपर रखते जाएंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से शो कराना चाह रहे हैं, इस तरीके से जैसे आप सोशल साइट्स पे देखते हैं या फिर शॉपिंग साइट्स पे देखते हैं, इस तरीके का एक लुक आपको दिखा रहा हूँ मैं इसका, ये देखिए कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी का मैं एक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं बैंड हटा रहा हूँ, तो कुछ ये इस टाइप से आ जाएगा। तो ये इस टाइप से आया, तो मैं क्या करूँगा, हाँ इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा सेलेक्ट किया, इसको बेस पे रख दूँगा। अगर रखना है तो बेस पे रख लीजिए या ऊपर ही रखना है, या आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप से आप इसको शो करा रहे हो, ठीक है। तो समथिंग मेरे पास सी वाला पार्ट है, इस टाइप से आप शो कराना चाहते हो इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या आउटपुट आता है, ये आपके लिए शिफ्ट एफ कर दिया इसमें अपने सेव फ्रेम, सेव फ्रेम में आपको एक्चुअल में दिखता है कि कितना पार्ट आपको शो होगा। तो मैं यहाँ पे इसका एक रेंडर दिखाता हूँ, और ये देखिए कुछ इस टाइप का ये आउटपुट आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा चमक चाहता हूँ इस वाले पार्ट पे, तो आप क्या करोगे, इसको मैं प्रोग्रेसिव रेंडर पे रख दिया, ठीक है, और मैं चला मेटल एडिटर पे, और यहाँ से ये वाला मेटल एडिटर था ये वाला, तो मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा, यहाँ से मैं ये वैल्यू बढ़ाऊँगा, देखिए तो इसमें चमक आएगी इस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो इस वाले को मैं जितना ज़्यादा वैल्यू दे देता हूँ, मैं इसको सपोज 10 दे देता हूँ, तो ये और ज़्यादा चमक दिखाएगा, देखिए, ठीक है ये। और आपने ये कर दिया, फिर आप इसको क्लोज़ कर दीजिए। अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, मैंने इसे क्लोज़ किया। आप अगर ये जो आपने ये HDRI लगाया है ये आपके सूटेबल लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप डिफरेंट HDRI भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर इस वाले पे चलता हूँ और ये वाला लगाता हूँ, कौन सा वाला, जिसमें येलो इस लाइट भी है, तो इसको मैंने पिक किया, ये आपकी सीन में यहाँ आ जाएगा, देखिए आ गया। अब इसको साइड कर दीजिए और यहाँ से इसका रेंडर ले लीजिए, तो रेंडर का आउटपुट दिखाऊंगा मैं आपको कि किस टाइप से आपको दिखाएगा। इसका डुप्लीकेट बन गया है, कॉपी करते वाले इसका डुप्लीकेट कर रहा था, तो थोड़ा सा ये हमें इस टाइप से शो कराना है, लेट्स सी, विजुलाइजेशन कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं इसका एक रेंडर दिखाना चाहता हूँ आपको, इसका आउटपुट देखिए, जो ऑरेंज टाइप की लाइट जो मैंने बताया, देखिए वो किस तरीके से इसको शो करा रहा है, ये देखिए इस पे देखिए ये। आप इसको एक बार क्लोज करके इसका फाइनल सेटअप कर लीजिए कि आपको किस तरीके से दिखाना है। इसको मैंने फुट डाउन, जस्ट फुट डाउन समथिंग, यहाँ पे मैं इस तरीके से करूँगा कि ये मुझे प्रॉपर शो हो जाए,
तो ये मेरे पास इसका फाइनल आउटपुट आ गया देखिए। और आप चाहिए तो इसमें से थोड़ा सा इफेक्ट्स हो करना चाहिए। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।